नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। सुनो यूपी की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बाराबंकी में भाजपा नेता और अधिकारी के बीच मारपीट की खबर मिल रही है। भाजपा नेता पंकज दीक्षित और अधिकारी के बीच मारपीट हुई है। दोनों ने एक दूसरे को जमीन पर गिरा गिरा करके पीटा है। किसान मेले के आयोजन के दौरान ये मारपीट हुई। अब ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है, देखिए जरा आप। पूर्व विधायक सुंदरलाल दीक्षित के बेटे हैं पंकज दीक्षित। ये ऑफिसर के साथ भिड़ गए, बहसबाजी तक नहीं बात बनी, एक दूसरे को गिरा गिरा कर पब्लिकली पीटने लगे। पंकज दीक्षित हैं ये, पूर्व विधायक सुंदरलाल दीक्षित के बेटे। मेला, मेले में ये मंच, माहौल सब कुछ बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है, लेकिन फोकस जो सब्जेक्ट है वो ये है, अधिकारी के साथ मारपीट हो गई। भाजपा नेता है पंकज दीक्षित, इनके पिता भी नेता हैं, लेकिन ये देखिए किस तरीके से अधिकारी को पीटते नजर आ रहे हैं। और ये पूरा दंगल हो रहा है, ये देखिए आप, गाली गलौच हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, हमारे सहयोगी सतीश फोन लाइन पर मौजूद है। सतीश, ये क्या माहौल है, कैसी तस्वीरें, ऐसा क्या हो गया कि एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो गए? देखिए स्नेहलता जी, ये पूरा मामला बाराबंकी का हैदरगढ़ क्षेत्र पड़ता है, वही कृषि विज्ञान केंद्र है और वहाँ पर जो है कृषि मेला लगा हुआ था। कृषि मेले के दौरान जो भाजपा नेता आप देख रहे हैं तस्वीरों में, कि भाजपा नेता है पंकज दीक्षित, वो पूर्व सुंदरलाल दीक्षित के बेटे हैं, विधायक हैं बाराबंकी के, हैदरगढ़ के, और साथ ही साथ जो है उनका काफी नाम रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि अक्सर जो है इस नेता पर जो है आरोप लगता है कि नहीं नहीं, पहले खबर बताएं कि ये कौन है, ये कौन है अधिकारी जिसे ये पीट रहे हैं पूरी तरीके से? देखिए कृषि विभाग के कर्मचारी हैं, कृषि केंद्र जो हैदरगढ़ है वहाँ के जो है यही वहीं पर ये तैनात है, और जो है इनसे कुछ भ्रष्टाचार को लेके जब नेता ने कोई सवाल किया तो उसी पे कुछ कहा सुनी हुई, कहा सुनी के बाद जो है ये मामला जो है हाथापाई और पटकी पटका। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है सार्वजनिक सरकारी विभाग में ये काम चल रहा था और जो है मेला लगा हुआ था। बिल्कुल सतीश, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए बहसबाजी नहीं, गहमा गहमी नहीं, मारपीट हो गई। आगे बढ़ते हैं, प्रयागराज से खबर है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट मिल रही है। वारदात में शामिल अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी चल रही है। आरोपियों के घर के बारे में अब प्रशासन जानकारी जुटा रहा है। पुलिस और प्रयागराज विकास प्राधिकरण की साझा टीमें आरोपियों के घरों का डिटेल तैयार कर रही हैं, कागजात खंगाल रही हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स देख रही हैं। अतीक अहमद की दो प्रॉपर्टी का भी पता चला है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। सूत्रों से यह भी पता चल रहा है कि आरोपी अतीक अहमद की दो प्रॉपर्टी हैं, इसमें एक प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाए जाने की तैयारी है, जबकि दूसरे को कुर्क किए जाने की तैयारी है। इसी बीच खबर, प्रयागराज से उमेश पाल शूटआउट केस में बिरयानी कनेक्शन सामने आया है। अतीक के करीबी बिरयानी शॉप संचालक की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। वारदात में इस्तबाल क्रेटा कार शॉप संचालक नफीस अहमद की थी और नफीस ने कुछ ही महीनों पहले इस कार को एक महिला को बेचा था। शहर की ही रुखसार नाम की एक महिला को ये क्रेटा कार बेची गई। बिना नंबर की ये क्रेटा कार अतीक के घर के पास से बरामद हुई है। इंजन चेचिस नंबर के आधार पर मालिक का पता चला है जिसने इसे खरीदा था। क्रेटा कार पकड़े जाने के बाद से बिरयानी शॉप संचालक नफीस फरार बताया जा रहा है। एसटीएफ की टीम नफीस के घर रेस्टोरेंट पर छापेमारी कर रही है और जिस महिला को ये कार बेची गई थी, व्हाइट क्रेटा बेची गई थी, वो भी फरार बताई जा रही है। नफीस रुखसार के फरार होने से जांच एजेंसियों का शक जो है वो गहरा गया है। बिरयानी रेस्टोरेंट संचालक नफीस का अतीक अहमद से पुराना कनेक्शन भी बताया जा रहा है। ऐसे में शक और भी गहराता जा रहा है। अतीक अहमद की जमीन पर ही नफीस की बिरयानी शॉप भी है। सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का, और ये बड़ी जानकारी किस तरीके से सामने आई है, इसकी डिटेल्स और बैकग्राउंड हमें बताएंगे और समझाएंगे मोइन। देखिए, संगम नगरी प्रयागराज में शुक्रवार को फिल्मी अंदाज में अंजाम दिए गए उमेश पाल शूटआउट केस में सरकारी अमला बैक्शन में आ गया है। कल एक बदमाश को मुठभेड़ में मार गिराया गया, इसके बाद पहली गिरफ्तारी भी हुई। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल से ये गिरफ्तारी हुई है और आज भी सरकारी अमला तेजी से कार्रवाई कर सकता है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज कुछ गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। इसके साथ साथ जैसे हमने कल देखा था कि कल यहाँ पर इनकाउंटर हुआ था, तो आज बुलडोजर गरज सकती
सकता है। हालांकि तैयारी अभी पूरी नहीं है, लेकिन अगर दोपहर तक होमवर्क हो जाता है तो आज कुछ आरोपियों के घर पर बुलडोजर चल सकता है। पुलिस और प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीमें जो है वो साझा तौर पर होमवर्क कर रही हैं, और अगर आज होमवर्क दोपहर तक पूरा हो गया तो कुछ एक आरोपियों के घर पर आज बुलडोजर चल सकता है। इस बीच प्रयागराज विकास प्राधिकरण और पुलिस ने मिलकर बाहुबली अतीक अहमद, जो कि उमेश पाल शूटआउट केस में मुख्य आरोपी है, उसकी दो प्रॉपर्टीज चिन्हित की हैं। एक पर बिल्डिंग बनी हुई है, उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा, जबकि दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो खाली प्लॉट है, तो उसे कुर्क किया जा सकता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कई और अहम गिरफ्तारियां भी आज हो सकती हैं। सीसीटीवी में जो आरोपी नजर आ रहे हैं उनमें से कुछ की पहचान भी हो सकती है, और पूरे उस शूटआउट केस में अब तक पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। पुलिस की 10 टीमें लगी हुई हैं, एसटीएफ की 3 यूनिट लगी हुई है, तो अब तक 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। कई लोगों को अब भी हिरासत में रखा गया है। जिन लोगों को हिरासत में रखा गया है उनमें बाहुबली अतीक अहमद के 2 बेटे भी हैं। इसके अलावा तमाम लोगों को पूछताछ के बाद वार्निंग देकर छोड़ा गया है, और इस वार्निंग के साथ छोड़ा गया है कि आप शहर छोड़कर नहीं जाएंगे, और जब भी आपको बुलाया जाएगा आप बयान दर्ज कराने के लिए या जो सवाल पूछे जाएंगे उनके जवाब देने के लिए यहां पर आएंगे। और ये बहुत अहम है कि जितने लोगों पर शक है पुलिस को, एसटीएफ को, उन लोगों को रडार पर रखा गया है, और आज कुछ नया खुलासा भी हो सकता है, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है। मोइन, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और प्रयागराज पर यह ताजा अपडेट है। आइए आगे बढ़ते हैं बरसाना की ओर। लठमार होली होगी इस बार, बरसाने में लठमार होली है। आज और कल नंदगांव में 1 मार्च को होली खेली जाएगी। लठमार होली को राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। हर साल बेहद भव्य तरीके से इसका आयोजन होता है। इसके लिए खास तौर से टेसू के फूलों से रंग तैयार किया जाता है। इसमें महिलाओं को हुरियारन और पुरुषों को हुरियार कहा जाता है। हुरियारन लठ को लेकर के हुरियारों को मजाकिया अंदाज में पीटती हैं, वहीं सिर पर ढाल रखकर खुद को हुरियारन की लठ से बचाते हैं। इस दौरान गीत संगीत का आयोजन होता है। देश विदेश से लाखों लोग इस होली को देखने के लिए बरसाना नंदगांव आते हैं। सीधा लिए चलते हैं आपको बरसाना, और हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा मौजूद हैं, और जाहिर सी बात है जहां वो मौजूद हैं वहां की होली विश्व विख्यात है। जो देख पा रहे हैं, जो महसूस कर पा रहे हैं, बताएंगे अवधेश। बिल्कुल स्नेहलता, वाकई विहंगम तस्वीरें हैं, क्योंकि रंगोत्सव की शुरुआत से अब तक का दौर 5 साल का है। कोविड की वजह से तमाम चीजें बाधित थी, लेकिन इस बार पूरा रंग है। आप देखिए तस्वीर, ये बरसाना का मुख्य द्वार है, यहाँ से बरसाना की सीमा शुरू होती है। मारो प्यारो बरसाना, और उसके बाद हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए जो लोग आ रहे हैं पूरी मस्ती में डूब रहे हैं, और ये जैसे करेंगे उसके बाद फिर आप की पहचान बदल जाती है। और इस नेता आप देखिएगा कि 5 मिनट के बाद आप भी मुझे पहचान नहीं पाएंगे, ये स्थिति यहाँ पर है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बरसाने के मुख्य द्वार पर ही उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से व्यवस्था की गई है कि जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं इनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत होगा, रंगों से स्वागत होगा। और आप देखिए रंग बरस रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, और देश भर से लोग पहुंचे हैं यहाँ पर। तो ये केवल बरसाने का जो मुख्य द्वार है वहाँ की स्थिति है, तो आप अंदाजा लगा सकती है कि रंगीली गली में माहौल क्या होगा। लेकिन हम तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, डांस हो रहा है, और तमाम लोग कृष्ण जी को भी अपने लेकर आए हैं। तो ये पूरी तस्वीर है। ये बताए कहाँ से आए आप लोग? यहीं से। कहाँ से आए? नोएडा। नोएडा, नोएडा। होली खेलने के नोएडा। बहुत बहुत। देखिए कुछ और भी लोग हैं, और यहाँ देखिए रंग बरस रहा है। और कहाँ से आए हैं आप लोग? कुलाउठी जिला बुलंद सर। बरसा केवल होली खेल सर? होली खेल गुलाबी, गुलाबी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। बहुत बढ़िया धूम, आप बताइए यार, आज बरसाना बहुत ही बढ़िया। ये तस्वीर दिखा रहे हैं उसने लगा। कुछ और लोग गुलाबी से होली खेल रहे हैं। गुलाबी, गुलाबी, गुलाबी। बहुत तगड़ी होली चल रही है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा। रामकिशन यादव गुलाबी, बहुत आनंद आ रहा है। तो आप देखिए ये तस्वीर है, कुछ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन चुनौतियां भी अपने आप में। और ये देखिए कुछ और लोग हैं, ये बताइए कहाँ से आए?
जी मैं कासगंज पटियाली से। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत आनंद आ रहा है राधा रानी खाने में। होली के लिए आए हम सारे लोग, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग। देखिए ये तस्वीर है, थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं और देखिए कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी कर लेते हैं। तो ये तस्वीर है, देखिए यहाँ ये होली की जो पगड़ी है, कहाँ से आए आप? बेहतरीन आनंद है। कैसा आनंद है यहाँ? बुलंदशहर गुलावटी कस्बा। कहाँ से? गुलावटी से। गुलावटी से होली खेलने के लिए क्यों लाए यहाँ पे? अश्विनता एक तस्वीर हम आपको और दिखाते हैं, आप देखिए किस तरीके से बरसाने की सीमा में जब आते हैं पूरे इस रास्ते को सजाया गया है। और यहीं से थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर रंगीली गली है जहाँ पर आज शाम को लाठियाँ बरसेंगी। लेकिन लाठियों के बरसने से पहले जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं और जो सफेद कुर्ता पहन करके दाखिल हुए थे और जो रंग दिखाई दे रहा है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्यों यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं होली खेलने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।